तो गाइस आज की इस वीडियो में कैसे धमाकेदार एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। बहुत ही कमाल का गाइस ये एप्लीकेशन है जिससे आप यहाँ पे डेली के गाइस यहाँ पे $5 $10 $15 इस तरह से आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हो। देखो गाइस अभी सबसे पहले मेरा बोनस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे 5 पॉइंट देखिए गाइस यहाँ पे 33 यहाँ पे डॉलर मेरे पास अभी है। इस एप्लीकेशन का नाम है गाइस बोनडेक्स ओरिजिन। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है जिससे आप यहाँ पे डॉलर में अर्निंग कर सकते हो और इसको आप विड्रॉल जब कीजिएगा गाइस तो आप विड्रॉल करने के बाद देखो गाइस विड्रॉल करने के आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप अगर आप चाहो तो बिटकॉइन मिल सकते हो या इंडियन करेंसी मिल सकते हो, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी मिल सकते हो, डॉलर मिल सकते हो या आप इंडियन करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल का गाइस ये एप्लीकेशन है जिससे आप यहाँ पे अगर आप वर्क करते हो तो अच्छा खासा यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको जो है साइनअप किस तरह से करना है। तो गाइस सबसे पहले बात करें साइनअप का, तो जैसे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको देखो गाइस साइनअप करने के लिए आपको सिंपल से स्टेप्स कुछ स्टेप्स आपको मिलते हैं जिससे आप यहाँ पे साइनअप कर सकते हो। देखो गाइस यहाँ पे साइनअप करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत या तो नेक्स्ट आपको करना होगा या स्किप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो आपको यहाँ पे पहले तो गाइस अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको साइनअप करना होगा, ओल्ड यूजर हो तो आपको यहाँ पे जो है लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही इस पे आप आइएगा गाइस साइनअप के ऑप्शन पे, इस तरह से आपको ईमेल आईडी ऐड करना होगा। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद इस तरह से जो है आपको यहाँ पे आई एम नोटे रोबोट का कर देना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद जो है इस तरह से आपके पास जो है आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे जो भी आपको पूछा जाता है कैप्चा में आपको उसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप कैप्चा कंप्लीट होने के बाद देखिएगा इस तरह से आपको जो है पासवर्ड वगैरह जो भी मांगा जा रहा है उसको कर देना। उसके बाद देखिएगा यहाँ रेफरल कोड मांगा जाता है तो आपको रेफरल कोड ऐड कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करते हो इस तरह से आपको कंटिन्यू फिर से करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है। देखो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन वेरीफाई होने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ईमेल आईडी थी उस पर एक जाएगा इस यहाँ पे गाइस एक ईमेल जाएगा उसको वेरीफाई करना होगा। देखिएगा इस तरह का ईमेल होता है तो आपको यहाँ पे इस पर देखिएगा इस यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके गाइस यहाँ पे आपको ब्राउजर सेलेक्ट करके गाइस इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करना काफ़ी आसान है गाइस, इस तरह से आना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा इस ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है तो इस तरह से आपका अकाउंट इस ऐप में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस ऐप में आपको अर्निंग किस तरह से करना है। तो सक्सेसफुली साइनअप करने के बाद देखोगा इस तरह से आप ऐप में इंटर होइएगा और यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो देखो गाइस मेरा अर्निंग आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे $5.5 अभी मेरा हो चुका है। यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलते हैं गाइस, यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट अर्निंग का जो है नाउ का ऑप्शन है आपको मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो गाइस अभी मेरा जो है यहाँ पे आपको एक गोल लाइन जो दिख रहा होगा इस ये ग्रीन कलर में चलता है, लेकिन गाइस वो तब चलेगा जब आप यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करते हो गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका अर्निंग यहाँ से स्टार्ट होगा। बस कुछ नहीं करना है गाइस, इस तरह से आपको जो है स्टार्ट अर्निंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं गाइस। देखो गाइस इस तरह से आएगा, आपको हर 24 घंटा में आके यहाँ पे आपको जो है स्टार्ट अर्निंग नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हर 24 घंटा में गैस इसको एक बार जो है यहाँ पे हाजिर लगाना होगा। इस तरह से देखिए गैस यहाँ पे देखिए गैस अभी हो गया ब्लैक से डायरेक्ट ग्रीन हो गया। तो इस तरह से गैस यहाँ से आप जो है अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें गैस यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑप्शन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ गैस, इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपको जो है अपना डिटेल्स वेरीफाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखते हो गैस यहाँ पे मेरा डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, यानी कि आपको पूरा बायोडाटा यहाँ पे ऐड करना होगा जिससे गैस यहाँ पे आपको कुछ और भी अर्निंग ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पे गाइस यहाँ पे जाना है गाइस। यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स अपना जितना भी आप यहाँ पे डिटेल्स देते हो गाइस, यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर कहीं आप वर्क करते हो तो देखो गाइस अभी अनवेरीफाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, रिज्यूम यहाँ पे ऐड करते हो, एजुकेशन लेवल आपका कितना है, तो इस हिसाब से गाइस यहाँ पे आपको कुछ जॉब ऑफर्स किया जाता है ऑनलाइन में, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर ये नहीं कंप्लीट करते हो गाइस यहाँ पे आपको बस यही दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रेफर का और एक यहाँ पे डेली अर्निंग का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना। देखो इस तरह से इस पर क्लिक करके गाइस यहाँ पे आपको ये ऐड कर देना है। तो गाइस कुछ नहीं करना इस तरह से, उसके बाद फिर से यहाँ पे पेन का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको ऐड कर देना है, अपलोड रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखा जाता है कि आप किस लेवल पे कितने पढ़े लिखे हैं, कि आपके हिसाब से कौन सा जॉब आपके लिए परफेक्ट होता है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आपसे ज़्यादा करना चाहते हो तो देखो गाइस यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे और भी बाकी का डिटेल जो भी आप फिलअप करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। मैं सबको बाद में कर लूँगा, कुछ नहीं करना है गाइस। देखो गाइस सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, एक इंट्रो वीडियो बना लेना है, उसके बाद देखो गाइस नाम लास्ट नेम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोफेशन आपका क्या है, आप जॉब कर रहे हो या नहीं, जेंडर क्या है, तो लोकेशन आपको ऐड कर देना है GPS करके। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका सिटी और बायोडाटा अपने बारे में कुछ देना है तो आप दे सकते हो, उसको सेव कर देना है। तो इस तरह से अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको इसको जो है एक्सपीरियंस, जॉब करते हो तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ देना होगा, अगर जॉब ना कर देते हो आपको इसको एक्सपीरियंस इसको छोड़ देना होगा गाइस। उसके बाद आपको रिज्यूम एडुकेशन वगैरह आपको ऐड करके इसको वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से गाइस आपका यहाँ पे वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है और आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा अर्निंग ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे।
इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि एक ऑप्शन जो है अर्निंग का वो ये है। दूसरा ऑप्शन से गाइस यहाँ पे आप रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अपना नेटवर्क बना के आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे नेटवर्क बना के आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। मेरा अभी अर्निंग का जो स्पीड है 0.01 का यहाँ पर हावर है, मतलब हर घंटे आपको हमको 0.0 जो है वन मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा सा नेटवर्क बना लूँ तो आप यहाँ पे गाइस जो है देखो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे योर नेटवर्क पे जाके, यहाँ पे देखो गाइस मेरा एकदम सब कुछ जीरो है, क्योंकि अभी बस जो है इस एप्लीकेशन में स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पर कुछ वर्क नहीं किया हूँ। डेली का ही मैं जो करता हूँ गाइस, यहाँ पे डेली हाजिर लगाने का काम जो है इस पर क्लिक करने का काम वही किया हूँ, जिस वजह से मैं गाइस यहाँ पे 3 दिन में आपको जो है $5.33 के आसपास में यहाँ पे हुआ है। बात करें रेफर का, तो देखो गाइस इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके अपने फ्रेंड को आपको इसमें ज्वाइन कराना है। इसमें ज्वाइन कराने के बाद देखो गाइस ये मेरा रेफरल कोड है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। साइनअप करते समय आपको ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसको देने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके शेयर करना रहता है इस तरह से, और शेयर करने के बाद जो है आपका फ्रेंड आपका लिंक से देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप जहाँ से शेयर कर सकते हो। जैसे आपका फ्रेंड आपका लिंक से आपको इंस्टॉल करता है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको उसमें साइनअप कर लेता है आपका फ्रेंड। और साइनअप करने के बाद जो है जैसे ही इसमें आपका फ्रेंड अर्निंग स्टार्ट करता है, आपको जो है आपका जो है लिस्ट में फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा, उसका अर्निंग का आपको परसेंटेज आपको मिलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, उसका अर्निंग का परसेंटेज आपको यहाँ पे मिलता रहता है। उसका अर्निंग का फर्स्ट जिसको आप रेफर करते हो उससे 25%, उसका अर्निंग का 25% मिलेगा। वो किसी और को रेफर करता है तो उससे आपको 15% मिलेगा। वो किसी और को अगर रेफर करता है तो उससे आपको मिलेगा 10%। तो इस तरह से कैसे आप यहाँ पे जो है अर्निंग कर सकते हो। बाकी का और भी यहाँ पे आप जो है नेटवर्क बना सकते हो, मैं सिर्फ 3 लेवल तक का बताया हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको कई लेवल तक का आपका यहाँ पे नेटवर्क बन सकता है। और आप नेटवर्क बना के गाइस यहाँ पे आप डेली का गाइस यहाँ से $5 से $10 डेली का आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी जो यहाँ पे आपको गेम नहीं खेलना है, आपको यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस आपको एक बार हाजिर लगा के यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अगर आपका फ्रेंड लिस्ट बड़ा है तो आप सबको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इस तरह से ऑन करके आपको डेली इस पर एक बार हाजिर लगाते गाइस यहाँ से आप जो है डेली का $5-10 तक का अर्निंग कर सकते हो। तो इसी तरह से गाइस यहाँ पे आप जो है अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस बात करें अगर विड्रॉल का, तो विड्रॉल करने के लिए गाइस आपका मिनिमम विड्रॉल है गाइस वो है $10 का। जी हाँ दोस्तों, आपका मिनिमम विड्रॉल है $10 का, और आपको तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे कि गाइस देखो गाइस यहाँ पे आपको जाके अपना पूरा डिटेल्स जो है प्रोफाइल पे जाके अपना पूरा डिटेल्स आपको वेरीफाई करना होगा। पहले प्रोफाइल वेरीफाई जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तब यहाँ पे आपको जो है विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, और विड्रॉल के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे पता चलेगा गाइस वहाँ पे आप इस वॉलेट में लेना चाहते हो, चाहे आप चाहो तो बिटकॉइंस में लेना चाहते हो, कोई क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहते हो, या इंडियन करेंसी में लेना चाहते हो, तो इस तरह से आपको पहले वहाँ पे आएगा उसको आपको। जैसे कि अगर आप इंडियन करेंसी में लेना चाहते हो तो आपको अपना डॉलर को सेल करना होगा, जो भी रेट उसका होगा गाइस यहाँ पे भी डॉलर का जो भी रेट होगा गाइस वो आपको जो है इंडियन करेंसी में उतना आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता, उसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप अपने बैंक में जब विड्रॉल करते हो जी दोस्तों, आपको उसको बैंक में विड्रॉल करना होगा। वो सब जो है यहाँ पे वो सब कुछ जब तभी होगा जब आप सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हो, तभी वो सब आपको जो है धीरे धीरे यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइस, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी का डिटेल्स मैं धीरे धीरे करके इसके बारे में जितना भी हमको नॉलेज मिलेगा गाइस आपको धीरे धीरे करके नई नई वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है गाइस, इस तरह से आप जो है अर्निंग कर सकते हो। अब विड्रॉल का बात करें तो विड्रॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो वेरीफाई करना होगा, डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ही आपको जो है विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। अब विड्रॉल से गाइस यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलता है, क्रिप्टो करेंसीज का, दूसरा है डॉलर्स का, और तीसरा है गाइस इंडियन करेंसीज का। तो आपको अगर इंडियन करेंसीज में लीजिएगा गाइस तो इसको आपको सेल करना होगा, सेल करने के बाद जो वैल्यू होगा गाइस वो आपको मिलेगा, और उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा तो बैंक अकाउंट आपको सर्विस चार्ज वहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज यहाँ पे 10% के लगभग में वहाँ पे लगता है। तो इसी तरह से आप तब पैसे नहीं कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियोस नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो।